पिछली क्लास में हम लोगों ने समकालीन विश्व के लोकतंत्र के अंतर्गत दो किस्से, एक चिले और दूसरे पोलैंड, तो हम लोग चिले के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब पोलैंड के बारे में जानकारी लेना है। पोलैंड एक साम्यवादी देश है, साम्यवादी देश यानी जहाँ किसी एक ही दल शासन करते हैं, दूसरे दलों को शासन करने की इजाजत नहीं होती है, वहां लोकतंत्र नहीं है। और शासन करने वाले जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को वहां के लोग चुन भी ले सकते और उसका विरोध कर सकते, यानी विरोध करने पर उन लोगों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाता था। और इस तरह से जाल जलसी वहां के शासक थे और वे पॉलिस्टमैटिक वर्कर्स पार्टी के संस्थापक और उसी दल के अंतर्गत वो शासन करते थे। पोलैंड को सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और उन्हीं के समर्थन में शासन चला रहे थे। एक घटना घटी थी 1480 में ग्रांस शहर जहाँ लेने जहाज कारखाना के मजदूर हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल करने का कारण था क्योंकि एक क्रेन चालक महिला को नौकरी से हटा दिया गया था, यानी गलत ढंग से उनको नौकरी से हटा दिया गया था। उस क्रेन चालक महिला का दोष नहीं था, फिर भी उसे नौकरी से हटा दिया गया था। और इसी क्रेन चालक महिला को फिर से नौकरी में वापस लाने के लिए वे सभी मजदूर हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल बहुत जोर चल रहा था। पोलैंड में हड़ताल करने की इजाजत नहीं थी और नहीं अलग मजदूर संघ का संगठन आम की इजाजत थी, फिर भी ये एकजुट होकर के हड़ताल कर रहे थे। लेक वाइज एक अन्य मजदूर थे जो उससे पहले हार गए थे, वो इलेक्ट्रिशियन थे, वे भी इस हड़ताल में शामिल हुए और देखते ही देखते उस हड़ताल कर्मचारियों का हड़ताली कर्मचारियों का जो नेता होंगे और वह बहुत जोर से आंदोलन चलने लगे और इस तरह से पूरे देश में सभी लोगों ने उस आंदोलन का अपना हिस्सा लिया, सभी ने समर्थन किया और पूरे देश में यह आंदोलन बढ़ता चला गया। जाल जलसी ने अंत में इनकी बात को मानने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने 1100 की मांग रखी और 1100 की मांग के अंतर्गत मान लिया गया और एक अलग से सोलिडरनोस नामक मजदूर संगठन बना दिया गया। और इस तरह से यह जो है संधि के अंतर्गत अब जो है आंदोलन और जारी रहा। इतना में ही यह रुके नहीं, लेक वालिसा ने अपने आंदोलन को जारी रखा और इस तरह से पूरे देश में और उससे भी ज्यादा अधिक आंदोलन जो पकड़ लिए। जारू जलस की बुखला ले, यानी उन्होंने देखा कि यह जो और ज्यादा था ये विरोध करना शुरू कर दिए हैं और इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और मार्शल लॉ लगाने के बाद उनको जो आज़ादी दी गई वे सारे आज़ादी छीन लिए गए थे, जो 1100 की मांग को दिया गया था सारे मांग को ले गए। कुछ समय तक यह बंद रहा यानी स्थगित रहा, इसके बाद फिर से 1988 में हड़ताल शुरू हो गया और हड़ताल की वही लेख वालिसा के नेतृत्व में ही चलता रहा। और इस तरह पहले तो उनको सोवियत संघ का समर्थन था पोलैंड में, अब सोवियत संघ का समर्थन तो नहीं रहा और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अंत में लेक वालिसा और जारूजलस्की के बीच फिर से समझौता शुरू हो गया, जिसे जैसे जो है मान लिया गया। 1989 में स्वतंत्र चुनाव की मांग को मान ली गई, जारूजलस्की ने मान लिया और लेक वालिसा और जारूजलस्की के बीच इस तरह से
वह चुनाव जीते और अंत में 1990 में एक बार ऐसा राष्ट्रपति बनाया गया, एक बार ऐसा पोलैंड का राष्ट्रपति बन गए और पोलैंड में वे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। इस तरह से हमने दो किस्से देखे, एक चिले के बारे में और एक पोलैंड के बारे में। दोनों ही जगह लोकतंत्र रहेगा लेकिन दोनों ही जगह वहां के लोगों के द्वारा आंदोलन करने के बाद लोकतंत्र की वापसी हुई। नेक्स्ट जो है लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के दो किस्से के बाद लोकतंत्र की विशेषता को पढ़ेंगे।